हेलो एवरीवन, प्रीवियस जो हमने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको डीप मसल्स के बारे में बताया था। तो हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था कि डीप मसल्स जो हैं, अगेन उनको हमने चार में डिवाइड किया है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप एंड डीपेस्ट। जिसमें से हमने देखा था कि ये जो हमारी सुपरफिशियल मसल्स हैं उसके अंदर हमारे मेन मसल्स जो आती हैं वो आती हैं स्प्लीनियस, और स्प्लीनियस में भी दो मसल हैं, स्प्लीनियस कैपिटस एंड स्प्लीनियस सर्वाइसिस। और जो इंटरमीडिएट लेयर है उसमें आता है इरेक्टर स्पाइनी मसल, जो कि तीन मसल्स का एक कॉम्बिनेशन है, इलियोकोस्टैलिस, लॉन्गिसिमस एंड स्पाइनलिस। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने सुपरफिशियल लेयर पढ़ ली थी, तो एक क्विक रिविजन देख रहे हैं हम ये सारा। इंटरमीडिएट लेयर में हम पहुँचे थे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी मसल है वो है इरेक्टर स्पाइनी, और उसी में तीन मसल्स हैं जिसको हम लेटरल से मीडियल जब देखते हैं तो वो आती हैं मोस्ट लेटरल साइड पे इलियोकोस्टैलिस, फिर मिडल में होता है लॉन्गिसिमस, और जो इन बिल्कुल आपके मीडियल साइड पे आ जाता है, जो वर्टिब्रल कॉलम के पास आता है, वो होता है स्पाइनलिस मसल। और जो हर मसल जो है ये इरेक्टर स्पाइनी, इसको हमने जो हमारे स्पाइनल रीजन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, लंबोरम, थोरेसिक, सर्वाइसिस, कैपिटस। वो उस बेसिस पे है कि ये हमारे किस रीजन में, स्केलेटन के किस पार्ट में अटैच्ड है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द इलियोकोस्टैलिस सर्वाइसिस। जो इलियोकोस्टैलिस सर्वाइसिस है इसका भी हमने ऑरिजन इंसर्शन पढ़ लिया था, थोरेसिस, लंबोरम, और ये हमारी इरेक्टर स्पाइनी की पूरी एक मसल है, जो कि अगेन तीन मसल्स का कॉम्बिनेशन है। अब मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारी इलियोकोस्टैलिस मसल है जो सबसे ज़्यादा लेटरल साइड पे है, इसका जो इप्सीलेटरल फंक्शन होता है, मतलब अगर ये एक साइड से एक सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सेम साइड पे वो लेटरल फ्लेक्शन कराती है स्पाइन का, अगर यूनिलेटरली करती है, और अगर बाईलेटरली मतलब दोनों साइड के अगर इलियोकोस्टैलिस एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं स्पाइन का। अभी हम नेक्स्ट मसल देखते हैं, वो है लॉन्गिसिमस। लॉन्गिसिमस जो मसल है ये सेंट्रल कॉलम बनाती है इरेक्टर स्पाइनी का, मतलब ये मिडल में पहुंचती है, और ये सबसे लंबी और सबसे थिक है इस ग्रुप की मसल। अब इसको भी अगेन तीन में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्गिसिमस कैपिटस, लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस एंड लॉन्गिसिमस थोरेसिस, अकॉर्डिंग टू द रीजन ये जहाँ पर अटैच्ड है हमारे। तो ये है हमारी सिंगल मसल में, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे सर्वाइकल रीजन थोरैक्स में और पूरा लंबर रीजन से नीचे तक जा रही है, अटैच्ड है। लॉन्गिसिमस कैपिटस जो है उसका ओरिजिन कहाँ से है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C4 से लेके T5 तक, और इंसर्शन है मेस्टॉइड प्रोसेस पे कैपिटस का। वहीं जो लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस है वो भी ट्रांसवर्स प्रोसेस से T1 से T5 पे ओरिजिन कर रही है, और इंसर्ट कर रही है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 टू C6 पे। तो इनके ओरिजिन इंसर्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो आप ध्यान रखेंगे तो आपको फंक्शन भी याद रहेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है लॉन्गिसिमस थोरेसिस। ये हमने उसी को जो तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सर्वाइसिस, कैपिटस एंड थोरेसिस, उसको हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। तो इसका जो ओरिजिन है लॉन्गिसिमस थोरेसिस का लंबर पार्ट में, लंबर इंटरमस्क्यूलर एपोन्यूरोसिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ सैक्रोपेल्विक सर्फेस ऑफ इलियम एंड पोस्टीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट से ओरिजिनेट करता है, क्योंकि हर जगह है। तो आप देखो, एक लंबर पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है, एक थोरेसिक पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है, और फिर उन सबका अपना इंडिविजुअल जो हमारे नर्व सप्लाईज हैं और कहाँ पे इनका इंसर्शन हो रहा है, ये आप प्रीवियस जो ये इस मैं देख सकते हैं ओरिजिन इंसर्शन, क्योंकि एक बार ऐसे पढ़ने से याद नहीं रहने वाले हैं, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करके और पिक्चर के साथ कनेक्ट करके देखना होगा। अगर ये बाइलेटरली ड्यूरिंग बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दोनों साइड से अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जो लॉन्गिसिमस मसल होती है वो एक पावरफुल एक्सटेंसर है लंबर, थोरेसिक एंड सर्वाइकल स्पाइन का, और उसके साथ साथ ये हमारा हेड एंड नेक का भी एक्सटेंशन कराती है। तो अगर आप कोई ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपका फुल बैक का एक्सटेंशन हो रहा है, एक फोर्सफुल एक्सटेंशन हो रहा है किसके साथ, जहाँ पे आपका हेड का और नेक का भी एक्सटेंशन हो रहा है, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि कौन सी मसल काम कर रही है, वो हमारी लॉन्गिसिमस जो मसल है वो काम कर रही है। लेकिन अगर वो यूनिलेटरली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सेम साइड का
लेटरल फ्लेक्शन होता है। ये जितनी भी हम बैक मसल्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बाइलेटरली मतलब दोनों साइड की मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और अगर एक साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जिस साइड पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसी साइड पे साइड फ्लेक्शन होगा, लेटरल फ्लेक्शन होगा स्पाइन का। तो ऐसा फंक्शन में ऐसा बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पाइनलिस, जो कि सबसे छोटी और सबसे मीडियल पार्ट है हमारे इरेक्टर स्पाइने मसल का। इसको भी फिर से हमने तीन में डिवाइड किया है, कैपिटिस, सर्वाइसिस, थोरेसिस। कैपिटिस मतलब जो आपका स्कल के पास अटैचमेंट है, सर्वाइसिस सर्वाइकल रीजन में, और थोरेसिस जो कि थोरेसिक रीजन में अटैचमेंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे मीडियल पार्ट में है ये वाली मसल। इसको हमने टेबल में आपको बता रखा है, ओरिजिन इंसर्शन कैपिटिस है तो ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 एंड T1 से ओरिजिनेट करती है, ऑक्सीपिटल बोन जो मिड लाइन है उसकी वहाँ जाके अटैच होती है। सर्वाइसिस स्पाइनस प्रोसेस C1 से T1 एंड न्यूकल लाइन से, और इंसर्ट ये कहाँ करती है, C2 से C4 के स्पाइनस प्रोसेस पे। और जो थोरेसिस है वो स्पाइनस प्रोसेस T11 टू L2 लंबर सेकेंड तक जाती है, ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट करती है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T2 to T8। अब इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे इनके ओरिजिन भी स्पाइनस प्रोसेस से हो रहे हैं और इंसर्शन भी स्पाइनस प्रोसेस पे हो रहे हैं, इसलिए सबसे मीडियल पार्ट की मसल है। कहीं भी इसमें कोई भी अटैचमेंट सुप्रोलेटरली नहीं है, लेटरल साइड पे नहीं है, सारे के सारे अटैचमेंट्स इसके बिल्कुल सेंटर में स्पाइनस प्रोसेस से हैं, बस उनके प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं। और जो हमारी इरेक्टर मसल, जो हमारी इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं उनके साथ साथ जो मेन फंक्शन है स्पाइनलिस का, वो एक्सटेंशन है वर्टिब्रल कॉलम का बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन के समय, और लेटरल फ्लेक्शन है स्पाइन का। सेम जो सारी की सारी हमारी मसल अभी तक हम पढ़ रहे हैं इरेक्टर स्पाइनी के, सबका सेम फंक्शन है कि जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एक्सटेंशन होगा, एक साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसी साइड का साइड फ्लेक्शन होगा, या हम बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन होगा। अब हम आते हैं जो डीप लेयर है, पहले हमने पढ़ी सुपरफिशियल, उसके बाद इंटरमीडिएट, अब हम नेक्स्ट में आए हैं डीप लेयर। तो जो डीप लेयर होती है उसमें होता है एक ट्रांसवर्सो स्पाइनलिस मसल ग्रुप होता है, जो किस सेल से बना होता है, सेमी स्पाइनलिस मल्टीफिडस एंड रोटेटर्स मसल। और ये जो मसल्स होती हैं ये किस किस के बीच में होती हैं, स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी इरेक्टर स्पाइनी मसल थी उसके नीचे होती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सो स्पाइनलिस मसल ग्रुप, ये डीप लेयर है। अब इनका ओरिजिन देखो, ये दे अराइज फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड रन अपवर्ड एंड मीडियली इन एन ऑब्लीक फैशन टू इंसर्ट ऑन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रे। इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से, लेकिन ये फिर इंसर्ट कहाँ हो रही हैं, मीडियल साइड पे जा रही हैं, अपने ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस पे ही जाके अटैच हो रही है, लेकिन वो मीडियली मूव कर रही हैं। जनरली द मसल्स ऑफ द ट्रांसवर्स स्पाइनलिस ग्रुप स्टेबलाइज द वर्टिब्रे ड्यूरिंग लोकलाइज मूवमेंट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि ये अपने से जस्ट ऊपर वाले मसल, अब सबसे उसके ऊपर वाला जो बोन है वर्टिब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस पे जाके अटैच हो रही है, तो ये मेनली उसको स्टेबलाइज करने के काम करती है। इसका मतलब ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट का जो मूवमेंट होता है उस समय ये स्पाइन को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। इसको भी हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटिस, सर्वाइसिस एंड थोरेसिस। तो एक बार एक जनरल सा हम एक आउटलुक देख लेते हैं कि जो कैपिटिस है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ये आर्टिकुलर प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रही है C4 से C7 तक, और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T1 टू T6। तो और कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, देखो बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर न्यूकल लाइंस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, मतलब ये साइड से ओरिजिनेट हुई, ट्रांसवर्स साइड से ओरिजिनेट हुई, फिर ये मीडियल साइड पे जाके इंसर्ट हो रही है। सर्वाइसिस अगर आप देखोगे तो ये T1 से T6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन क्योंकि इसको मीडियल साइड पे जाना है तो कहाँ जाके इंसर्ट होगी, स्पाइनस प्रोसेस पे जाके ओरिजिनेट इंसर्ट करेगी C2 से C5 तक। थोरेसिस जो है अगेन वो ट्रांसवर्स प्रोसेस T6 टू T10 से ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C6 टू T4। तो थोड़ा एक जब भी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इतनी सारी मसल है हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते, लेकिन एक जनरल आइडिया ज़रूर रखिए कि कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ इंसर्ट कर रही है, तो उससे आपको एक उनका जनरल फंक्शन भी ध्यान रहने वाला है। इनका जो एक यूनिक फंक्शन है, इनका अटैचमेंट किसके साथ है, स्कल के साथ, तो इसका एक यूनिक फंक्शन आता है। तो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन जब ये मसल करती है तो इट ड्रॉज द हेड पोस्टीरियरली,
एक्सटेंडिंग द नेक एंड थोरेसिक स्पाइन. एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन क्या कराता है? इट कॉजेज इप्सिलेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड थोरेसिक स्पाइन विद कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन ऑफ द हेड. तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये अलग फंक्शन आ रहा है यहाँ पर मेनली, क्योंकि ये इंटरवर्टिब्रल जो आपके जॉइंट मूवमेंट हैं उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है. उसके साथ साथ जब बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये हेड को पीछे लेके जाता है, नेक को एक्सटेंड करता है, थोरैक्सिक स्पाइन को एक्सटेंड करता है. और उसके साथ साथ लेकिन अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये ध्यान रखने की बात है, ये इप्सिलेटरल फ्लेक्शन करा रहा है नेक का और थोरैक्सिक स्पाइन का, लेकिन हेड जो है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे रोटेट करता है. अब इसमें देख लेते हैं, जैसे मल्टीफिडस जो है वो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट लेयर में है उसको भी हमने देखो. अब एक एक मसल हम बहुत याद नहीं रख सकते, तो आप मेनली मसल्स का नाम याद रखो, उनके ओरिजिन इंसर्शन और एक जनरल फंक्शन याद रखो. यहाँ पर जो ये PPT है इसमें ओरिजिन इंसर्शन दे रखे हैं, तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो उससे याद कर लीजिएगा. और मल्टीफिडस का बैक पेन अब थोरेसिक स्पाइन के पेन से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, तो ये हमारी मल्टीफिडस मसल है. जो रोटेटर्स होते हैं, ये रोटेटर्स खाली शोल्डर जॉइंट में नहीं होते, और भी रोटेटर्स हैं. ये रोटेटर्स को हमने इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये अलग से नाम है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. रोटेटर्स ब्रेविस एंड रोटेटर्स लॉन्गाई है. ये जो ब्रेविस है तो पहले ही पता है हमें जो छोटी है, और लॉन्गाई मतलब जो लंबी मसल है. तो ये जो ब्रेविस है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T2 to T12, और इंसर्शन होता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा 1 level अबव द ओरिजिन. जहाँ से ओरिजिनेट किए, जिस ट्रांसफर प्रोसेस से, उसके जस्ट ऊपर वाले स्पाइनस प्रोसेस पे. देन ये है, देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए किस तरह से ये ऑब्लिकली ओरिजिन एंड इंसर्ट कर रही है. इस एंड मेजर फंक्शन होता है रोटेटर्स. स्पाइन को ये स्टेबलाइज तो करते हैं, और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन जब इन मसल का होता है तो वर्टिब्रल कॉलम को एक्सटेंड करती है, और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ट्रंक का रोटेशन करता है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे. रोटेशन कर रहा है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, तो ये थोड़ा एक फंक्शन डिफर हो गया है. अब नेक्स्ट है डीपेस्ट लेयर. जो लीपेस्ट लेयर है उसमें लिवेटर्स, कोस्टेरम, इंटरस्पाइनलिस एंड इंटर ट्रांसवर्साई मसल्स होती हैं जो डीपेस्ट लेयर बनाती हैं, और इनको हम कभी कभी सेगमेंटल मसल्स या माइनर डीप बैक मसल्स भी बोलते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बैक मसल्स. ये डीप लेयर थी. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड थैंक यू सो मच.